नमस्कार मित्रों, मेरे आयुर्वेद इंडिया में आप सभी का मनपूर्वक स्वागत है। मित्रों, आज हम जानकारी लेते हैं एरंड के बारे में। ये जो आप सामने पौधा देख रहे हैं, ये एरंड का पौधा है। मित्रों, इसे हिंदी में अरंडी या एरंड बोला जाता है। मित्रों, ये वनस्पति हमारे बावासीर के लिए अचूक और अमोघ औषधि है। जिनको बावासीर की तकलीफ है, चाहे फिर वो खूनी हो या अर्श की हो, दोनों प्रकार की बावासीर में ये वनस्पति अचूक काम देती है और अपना असर दिखाती है। तो जिनको बावासीर की तकलीफ है, उन लोगों के वास्ते इसके चार पांच पत्ते आपको लेना है। इसके चार पांच पत्ते लेकर, ऐसे कोमल पत्ते लेकर, आपको इसमें आधा कप पानी डालकर सुबह में खाली पेट इसको कूट पीस कर इसका आधा कप रस निकाल कर आपको पी जाना है। और इसी के ही तेल में, अरंडी के तेल में थोड़ा सा एलोवेरा सोरस निकालकर गुद्दाशय पर लगाने से गुद्दाशय की जलन और दर्द पूरी तरह से तीन चार दिन में ठीक हो जाता है। मित्रों, ये बावासीर की अचूक औषधि है। तुरंत आराम होने के लिए इस वनस्पति का उपयोग अत्यंत आवश्यक होता है। तो इसे आप ठीक से देख ले। इसी के बीजों से, ये जो आप बीज देख रहे हैं, इसके बीजों से कैस्टर ऑयल बनता है जो हम मार्केट से खरीदते हैं। तो मित्रों, इसका दूसरा उपाय उनके लिए है जिनके हाथ पैरों में सूजन, हाथ पैरों में जकड़न, दर्द, साइंटिका, कमर पीठ में दर्द और वातरोग, सभी वातरोगों के लिए इस वनस्पति की अचूक औषधि बनाई जाती है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें आपको ज्यादा कुछ भी नहीं करना। इस अरंडी का तेल एक या दो चम्मच, पहले तो आप 5 ग्राम सोंठ का पाउडर ले लीजिए जो आपको कौन से ही किराना दुकान से मिल जाएगा। 5 ग्राम सोंठ के पाउडर में 2 कप पानी डालिए और उसका काढ़ा बनाए। 1 कप शेष रह जाने पर इसे शाम को सोते वक्त 1 या 2 चम्मच एरंडल तेल डालकर पी जाए। सुबह में आपको 2-4 लूज मोशन हो सकते हैं, किंतु 8 या 10 दिन में कमर पीठ का दर्द, हाथ पैरों में सूजन, हाथ पैरों की जकड़न, यूरिक एसिड का बढ़ना, साइंटिका, अर्धांगवाद, इसमें भरपूर आशातीत आराम होता है। तो मित्रों, आप इसको एक बार जरूर करके देखें। किंतु एज अनुसार इसकी तेल की मात्रा आपको कम ज्यादा करनी है। अपनी अपनी प्रकृति देखकर इसकी मात्रा कम ज्यादा करनी है। टॉन्सिल के सूजन पर, जब छोटे बच्चों को टॉन्सिल्स हो जाते हैं, टॉन्सिल्स की गांठें बन जाती है, तब उस समय टॉन्सिल पर इस एरंड के जड़ को आपको निकालना है और इसको पानी में घिसकर इसमें थोड़ा सा घी मिलाकर आपको टॉन्सिल्स के जगह पर गरम गरम लगाना है। ऐसा आप 1 या 2 दिन करते हैं तो आपकी टॉन्सिल्स की गठाने, आपकी टॉन्सिल्स की सूजन पूरी तरह 1 या 2 बार लेप लगाने से ही पूरी तरह बैठ जाती है। और दूसरा उपयोग इसका, जिनके पेट के ऊपर चर्बी चढ़ी है, जिनके पेट के ऊपर अत्यंत चर्बी है, उनके लिए इसका प्रयोग अचूक है। ज़्यादा कुछ नहीं करना, इसके जड़ों का पाउडर आपको बनाना है और सुबह और शाम को इसका 2 कप पानी में काढ़ा बनाना है। 1 कप रह जाने पर इसको पी जाना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी पेट की चर्बी 15 दिन में खुद आप ही करके इसे देखें। बहुत ही चमत्कारिक और अत्यंत प्रभावी उपयोग इसका होता है। मित्रों, वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।